बैक टू माई चैनल, दिस इज़ नाफी। टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं और अली जा रही हैं हॉलीडेज पे। तो हम अभी एयरपोर्ट पे आ गए हैं, हमने चेक इन वगैरह सब कुछ कर लिया है और अब हम हैं यहाँ पे वेटिंग रूम में। इधर हम करेंगे वेट क्योंकि अभी थोड़ी सी टाइम है फ़्लाइट के लिए। और आज एयरपोर्ट में लग ही नहीं रहा था कि हम एयरपोर्ट में आए हैं, इतना हाली हाली एयरपोर्ट था, बहुत कम रश था। तो या आई एम वेरी एक्साइटेड। तो अब हम मिलते हैं एरोप्लेन में, थोड़ी सी मैं भी शूट करूँगी जहाँ पे कुछ दिखाने वाला हुआ। तो या आई एम वेरी एक्साइटेड। आज सही निंजा लग रही हो ना, भी हमेशा शॉपिंग करती रहती हो। हाँ, यहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप है तो इधर जो परफ्यूम है ड्यूटी और इधर परफ्यूम बहुत कम प्राइस में मिल जाती है। तो मैं देख रही थी कहीं पर कुछ अच्छा मिल जाए तो हम बाई कर लें। हैंड सैनिटाइज मैंने बहुत ज़्यादा दफ़ा कर लिया, मैं नहीं कर रही हूँ। अभी पता चले कि मैं जाके किसी चीज़ के साथ टक्कर मारूँ अपनी मैं इंसानों की तरह चलती हूँ। स्कूल जा रही हूँ। हाँ, स्कूल जा रही हूँ। इधर मेरा देखा है, मेरा सामान बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर ये भी पहनना पड़ा। इधर सारा किंग मेकअप है और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं जो नाफी नहीं ले रही। हम देख सकते हैं अपने आप को एक मिनट की साइड में। दोनों निंजा बने हुए हैं। यस, आज मैंने फाइनली ब्लैक मास्क पहन ही लिया है। सो गाइस, जब भी हमारी फ़्लाइट को एक घंटा है तो अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे ड्यूटी शॉप्स में से, तो इधर हमें बूट्स नज़र आ गया। अली को भूख लग रही थी, अली ने सैंडविचेस लिए हैं और मैंने लिया है ये योगर्ट। मैं सेम टाइम पे यही योगर्ट खाती हूँ हर रोज़। आज इधर मुझे मिल गया तो मैंने कहा चलो इसको भी उठा लो। ये ज़रा स्पून चेक करें, छोटी सी स्पून, बेचारी सी स्पून। तो कुछ नहीं, बस अब चिल मार रहे हैं। अब थोड़ी देर तक हम खाना वगैरह खा के जो हमने बाय किया है फिर हम जाएंगे अपनी फ्लाइट की तरफ। सो गाइस, हम इधर आ तो गए हैं लेकिन हमारे अलावा इधर कोई है ही नहीं है। एयरपोर्ट कम और हॉस्पिटल ये ज़्यादा लग रहा है, कोई भी नहीं है, लिटरली बिल्कुल हालत खाली है। तो आज सिर्फ मैं और आप जा रहे हैं। कितनी दफ़ा हेलो हेलो करना है? हाय हेलो, क्योंकि कैमरा हमेशा बंद कर देते हैं, फिर दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, फिर मैं दोबारा से कहती हूँ हाय हेलो। और ओके, तो अब हम एरोप्लेन में बैठ गए हैं और बस अब हम टेक ऑफ करेंगे और एरोप्लेन तकरीबन खाली है सर। और सब खाली है। हाँ, टोटल कितने बंदे से जा रहे हैं? ये देख बहुत कम लोग थे एरोप्लेन में और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है क्योंकि बीच में ना जब हम लैंडिंग कर रहे थे तो वो क्या जो गैप आ जाता है, एयर गैप कहते हैं, तो वो आ गया था और ओ माय गॉड मैं रोने वाली थी। लेकिन ये है कि फिर ठीक से लैंडिंग हो गई है। अब हम ऊपर जाएंगे, हमने अपनी कार बुक की हुई है, अब देखते हैं हमें कौन सी कार मिलेगी। मुझे पता है कौन सी। आपको पता है कौन सी? मैंने ही बुक की हुई है ना। अच्छा, मुझे था कि वो रैंडमली उसको रैंडमली नहीं, मैंने बुक करवाई हुई है। सरप्राइज 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 सरप्राइज। हां, तो मैं अच्छी लगेगी। अच्छा, मुझे अच्छी लगेगी। चले देखते हैं फिर कौन सी कार है। ओके, हमने कीज़ ले ली हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी को लेने। आई एम वेरी एक्साइटेड। आए आप भी मेरे साथ इकट्ठे देखने हैं कौन सी कार है। सो गाइस, हम आ गए अपनी गाड़ी के पास और ये है, हियर इज आवर रेंज रोवर। फाइनली मैंने मास्क उतार दिया कितने घंटों के बाद।
लाइक हम घर से 1 बजे निकले थे और अब रात के क्या टाइम हो रहा है, 7 बज गए हैं। 7:30 फाइनली मेरा कैमरा मैन के हाथ से कैमरा इधर से उधर जा रहा है। तो ये है हमारी हॉलीडेज की शुरुआत। अब हम जल्दी से कुछ खाएंगे क्योंकि लॉकडाउन में आज मंडे है, तो एक और चीज़ ऐड हो गई है, 6 PM सब कुछ बंद। तो अब कुछ टेक वे या कुछ भी, अब देखते हैं क्या खुला हुआ है जहाँ से हम जाकर कुछ जल्दी से खा लें ताकि हम रात को भूखे ना मरें। तो हाँ जी बस। सो गाइज, अब हम जा रहे हैं अपने होटल। यहाँ से हमें कितना टाइम लग जाएगा, 2 घंटे और कितने मिनट है जी? 1 घंटा। ओके, 1 घंटा 50 मिनट रह गए, तो इतनी फिर हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पे है मेरे हस्बैंड जी, जो कभी वीडियोस में आना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब मैंने वीडियो बना ली है। बहुत मसला है, यही मसला है, ये बात है। मैं जब कहती हूँ आज ये चैलेंज कर लेंगे, ये कर लेंगे, कर नहीं, मैं फिर कभी बनाऊंगा। तुम ही बनाओ, तुम ही करो, सब कुछ मैं करूँ। हाँ हाँ, हम तो फ्री बैठे हैं ना, हमें तो काम ही नहीं होता भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब हम रास्ते में कहीं पे रुकेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी जो हम खाएंगे, और उसके बाद जब होटल पहुंचेंगे तो वहां पे भी मैं आपको दिखाऊंगी हम कहां पे रह रहे हैं इन दिनों में। तो या ये है हमारा व्यू अभी। Posso avere due filetti menù per favore? Coca zero ce l'avete? Senza ghiaccio per favore. Ketchup. Due ketchup, due mayo. Poi un filetto solo panino. Poi cosa vuoi, Nafi? Io basta. Vuoi qualcosa in dolce? Magari non lo so. Mi può fare un toast senza prosciutto, per favore? Basta? Basta così, grazie. 14:50 avanti con la mascherina, per favore. Sì. Usne ka aage aaj lekin ye pehle. Ah, theek hai. तो अब हम खाएंगे मैक। तो गाइस, जब आपको खाने के लिए कुछ भी ना मिले तो आपको मैक तो ज़रूरी मिल जाता है। तो अब हम अभी आए हैं मैक ड्राइव पे, इधर से हम लेंगे अपना खाना और फिर मेरे ख्याल से हम गाड़ी में ही खाएंगे क्योंकि मैक ड्राइव से ले रहे हैं और हमें पहुँचते पहुँचते तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो सब कुछ ठंडा हो जाएगा। Accettate l'American? No, l'unica no. L'unica American no, non ci sono problemi, adesso arrivo, eh. Ali ko apne card ki pin bhul gaye hain. Ye contactless nahi ho sakta? Nahi nahi, ye posso pagare contactless? Aspettiamo qua? Wow, answer bhi nahi kiya. Sì, answer kiya. Achcha, bola idhar hi ruk. Aankh mari usne. Aankh mari, oh, main idhar saath hi baithi hoon bhai, aankh nahi marni mere miyan ko. Idhar hi ruk. ओके जी, ये मैं पहले बेनेट को बेनेटोन पाड़ी थी मैं अब स्टोरीज में जाके पोस्ट कर रही थी जो भी मैंने अपनी पहले वीडियोस बनाई थी एरोप्लेन में, और काफ़ी अरसे से मैं इसमें स्टोरीज नहीं अपलोड कर रही, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि नेक्स्ट स्टोरी कैसे अपलोड करनी है। तो मैं उसमें स्ट्रगल करती करती मुझे इधर मैक का साइन नज़र आ गया, तो मैंने कहा ओके, इधर मैक ड्राइव से हम फटाफट कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। तो अब हम वेट करते हैं कि हमें खाना वो दे दें, और इतनी देर मैं अपनी स्टोरीज हैं वो अपलोड कर देती हूँ इंस्टाग्राम पे। इतना बड़ा शॉप है देखो। ग्रैसिए मिले। आपका पेट भी इतना बड़ा है भाई, आप डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल मेन्यू खा जाते हैं। और नहीं तो मैं नहीं जी, मैं तो डाइट, मैं बेचारी तो बस मैं डाइट पे था, अभी सिर्फ थोड़ा सा ये मैं खा रहा हूं, वरना मैं मैक नहीं खाता। हाँ हाँ, और मेरा बड़ा पेट बिल्कुल नहीं है। हम वीक में एक दफा बच्चों को मैक पे लेके जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है, तो उनके जो डैडी जी हैं वो सबसे पहले होते हैं जी, ये बर्गर हो जाए तो ये बर्गर हो जाए, इधर ही रुक जाते हैं। चलो जी, गाड़ी में बैठ के खाने खाने का हम वैसे भी बहुत करते हैं, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। अली को इस चीज से अच्छी भली ना चेड़ है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मुझे नहीं पसंद क्योंकि गाड़ी में गंद पड़ता है। हाँ, गाड़ी गंदी लेकिन होती मुझे है। बड़ा मजा आता है गाड़ी में बैठ के आराम से खाओ। और कुछ हमारे पास है नहीं तो हम यही करेंगे, अंदर तो जा नहीं सकते इनके, वो 6 बजे के बाद अंदर नहीं जा सकते। हाँ, नहीं जा सकते। तो चलें। सो गाइस, हम आ गए हैं अपने होटल और आप जरा व्यू देखें। अब बाकी का व्यू आपको मैं कल दिखाऊंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हो रही है बारिश, तो मेरा कोई मूड नहीं है बारिश में जाके भीगने का और फिर बीमार होने का और फिर अपने हॉलीडेज़ को ख़राब करने का।
तो अभी मैं इधर से चलते हैं अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर कैसा है हमारा ये स्वीट, और फिर मैं आपको थोड़ी ये भी बताती हूँ हम कहाँ पे हैं और ये हमने जगह क्यों डिसाइड की और ब्ला 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 ब्ला। तो अभी जल्दी से अंदर चलते हैं क्योंकि मैं भी बारिश में भीग रही हूँ। सो गाइज ये है मेन एंट्रेंस, इधर से हम होंगे एंटर। इस साइड पे है ये प्यारा सा मिरर और ये देखें कौन है मेरे साथ। उसके बाद यहाँ पर ये है बेंच जिनके नीचे जगह बनी है जहाँ अपने शूज रख सकते हैं, तो हमने शूज अपने इधर ही उतार दिए क्योंकि ये अपार्टमेंट कह लें आप इसको जो भी कह रहे हैं, इसकी मैं आपको स्टोरी बाद में सुनाऊंगी। स्वीट ये बहुत ही नाइस एंड क्लीन और जबरदस्त परफ्यूम आ रही है। जैसे इस साइड पे है कुछ प्यारे प्यारे से फ्रेम्स, उसके बाद यहाँ पे ये ग्लास की विंडो बनी हुई है और इसके पीछे जबरदस्त किस्म का व्यू है। अब ये मैं कैसे समझाऊं आप खुद ही देख लें। नहीं असल में पहाड़ पे बना हुआ है ना, तो बारिश हो रही है तो ये देखा गीला हुआ उसका पानी नीचे आ रहा है। ये पीछे माउंटेन है, इसको जो क्या कहते हैं रॉक कहते हैं। हाँ ये रॉक। उसके बाद यहाँ पे ये स्टील का बना हुआ है स्टैंड टाइप का, इसके बीच में आप कपड़े हैंग कर सकते हैं, इधर आप बैठ के अपने कपड़े वगैरह चेंज वगैरह करने हो जो भी करने हो वो कर सकते हैं। उसके बाद इस साइड पे ये कुछ है चीजें जो बाद में देखेंगे, यहाँ पे शॉवर के लिए और ये भी हम यूज करेंगे पहनेंगे इधर क्योंकि हमने सिर्फ सॉक्स ही पहनी हुई है। इस साइड पे ये है शीशा, इसके उस साइड पे है शॉवर, यहाँ पे है हमारा बेड। और इस साइड पे है ये डाइनिंग टेबल जहाँ पे मैं और अली सोच रहे हैं कल कैंडल लाइट डिनर करेंगे। पहले नाश्ता तो कर ले, पहले कल ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद दिन को हम कल बाहर हैं, कल मैंने अपने इन लॉज को मिलना है और उसके बाद शाम को हमारी यही प्लानिंग है कि हम यहाँ पे आके डिनर करेंगे और यहाँ का जो व्यू है उसे करेंगे इंजॉय। और ये आप कैसे पिछोगे ऐसे ही? नहीं हाँ ऐसे ही। ये जरा व्यू देखें बाहर का, अभी मैं और अली ज्यादा नजर आ रही होंगे और व्यू आपको कम नजर आ रहा होगा। लेकिन इसको खोलते हैं, कल हम इसको ठीक से एंजॉय करेंगे इस प्लेस को। आज खोल के दिखा देते हैं वहां से। तो ये है इधर का व्यू, अब मैं इसको करूंगी बंद। दो दूसरी साइड में क्या है, इधर क्या है? इस साइड पे भी सेम व्यू आई गेस, दूसरी साइड वाला। हाँ, लेकिन वो ज्यादा मजे का, वो ज्यादा मजे का है बिल्कुल। इस साइड पे है एक छोटा सा किचन जहाँ पे आप कॉफी टी वगैरह बनानी है तो वो बना सकते हैं, लेकिन हम नहीं बनाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से हम इसको यूज ही नहीं करेंगे। तो ये है बाथरूम का एरिया, इस साइड पे है टॉयलेट, उधर एक छोटा सा है क्या इसको कहते हैं जहाँ पे हम हाथ वगैरह वॉश करते हैं। ओके बेसन बेसन कह रहे हैं आई डोंट नो। उसके बाद यहाँ पे एक जबरदस्त सा मिरर है, इधर की लाइट हमने नहीं ऑन की है, इधर से होगी शायद मेबी। ये हम जब किसी लाइट ढूंढनी होती है ऑन करने के लिए पहले पूरे घर की लाइट ऑफ होती है उसके बाद लाइट ऑन होती है। मुझे ये बहुत बहुत ज्यादा पसंद आई है जगह, बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल डिफरेंट है, ये एक अपार्टमेंट इसको समझ ले। मेरी आवाज यहाँ पे गूंज रही है तो मेरे आपसे बाहर जाके बात करती है, अभी मैं इधर ये बता देती हूँ। उसके बाद इधर से बाहर का व्यू बहुत अच्छा है, ये खुल सकता है क्योंकि अभी बाहर हो रही है बारिश तो बारिश की भी आवाज आएगी। हाँ बारिश की आवाज आ रही है। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा बनाया है, बहुत जबरदस्त। सो अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि हमने ये जगह क्यों डिसाइड की कि हम इधर ही आएंगे। मैं और अली जब प्लान कर रहे थे हॉलीडेज के लिए तो हम सोच रहे थे हम कहाँ जाएं, किधर रहें, कैसा होना चाहिए, और हम कुछ डिफरेंट करना चाह रहे थे जहाँ पे आप अच्छे से रिलैक्स करो और बिल्कुल शोर शराबे से और टेंशन से बिल्कुल सब कुछ दूर हो। तो हम सोच रहे थे कि हम स्विट्ज़रलैंड की तरफ कहीं पर जाते हैं, कई पहाड़ियों में उनका जो खूबसूरती और ये वो बड़ी सुकून की जगह होती है क्योंकि हम पहले भी स्विट्ज़रलैंड गए हुए हैं काफ़ी दफ़ा, तो उस साइड पे हम कहीं चलते हैं। फिर जब हम इंटरनेट पे देखने के लिए बैठे तो हमें ये अपार्टमेंट नज़र आया जो स्विट्ज़रलैंड में नहीं है लेकिन उसके बॉर्डर के बहुत नज़दीक है, इटली में आता है ये। तो ये जो स्वीट है ये एक माउंटेन के ऊपर है, यहाँ के जो ऑनर है उनका ये कह लें कि पूरी माउंटेन के जो ऊपर वाला हिस्सा था ये सब उनका था। तो वो पहले हमें बता रहे थे कि उन्होंने अपने इधर घर बनाया तो उसके बाद उनके पास ये सारा पीस बच गया था ज़मीन का या माउंटेन का कह लें, तो उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे वो दोस्त
स्वीट बनाएंगे, एक स्वीट ये है, एक इससे ऊपर है, लेकिन ये एक मिनी आप समझ रहे हैं, एक छोटा सा घर है जिसके भीतने वॉशरूम है, किचन भी है और बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। और जब हमने तस्वीरें देखी ऑनलाइन और उसके बाद हमने लोगों के रिव्यू पढ़े और जो यहाँ के ऑनर हैं वो कितने अच्छे हैं और उनकी जो वेलकम होता है वो करते हैं, इतना वार्म वेलकम करते हैं, और उसके बाद जब यहाँ का व्यू देखा तो मैंने अली ने कहा कि ये बहुत ज़बरदस्त है, एक ऐसी ही चीज़ थी जो हमें चाहिए थी जहाँ पे हम फुल रिलैक्स करें और जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, लाइक यहाँ से हम स्विट्ज़रलैंड ड्राइव करके आराम से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत नज़दीक है, तो फिर हमें ये सबसे बेहतर लगा। तो इसलिए फिर अब हमने ये डिसाइड कर लिया हम इधर आ गए। अभी जब हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया और उधर से जब हम आ रहे थे इधर, तो वो व्यू देखने वाला था, लाइक हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सीढ़ियों के साइड से सब लेड लाइटें ऑन हो रही थी और हम चलते जा रहे थे, और फिर जब इधर आए भी, अंदर आके भी देखा तो बहुत अच्छा लगा। तो ये जो सीढ़ियों का सीन है ये मैं आपको कल दिखाऊंगी और हम भी कल आराम से बाहर से देखेंगे, क्योंकि बस बारिश हो रही थी तो हमने बस थोड़ा सा आगे से देख के हम आ गए अंदर। तो गाइस ये था आज का दिन, मेरे ख्याल से मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, तो अब मैं चेंज करूँगी, रिलैक्स करूँगी, इन्जॉय करूँगी अपने हॉलीडेज को और हम मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं तो और 5 मिनट तक हमारा ब्रेकफास्ट आ रहा है, तो हम फिर ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर इधर से निकलेंगे। तो बस अभी हम यहाँ का व्यू एंजॉय कर रहे हैं, मैं अली बैठ के बातें कर रहे थे पहले और मैं वेट कर रही हूँ कि अलीज़ा माँ हाई माँ उठी, उन्हें मैं कॉल करूँ, उनका हाल चाल पूछूँ और हाँ बस यही। हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है और बहुत यमी ब्रेकफास्ट लग रहा है। यहाँ पे है कॉफ़ी, इधर है कुछ ब्रेड, यहाँ पे है कुछ ब्रियोश और उसके बाद यहाँ पे मफिन है, फ्रेश फ्रूट है जो कि इधर से उन्होंने भी तोड़ा है और हमारे लिए लेके आए हैं, और इधर और भी काफ़ी चीज़ें हैं, सीरियल हैं, योगर्ट हैं, मज़े मज़े की चीज़ें हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, अभी ये सब मैं ट्राई करूँगी। और इनका सर्व करने का तरीका भी बहुत मज़े का था, योगर्ट भी है और यहाँ पे हमारे पास फिश भी है। ब्रेकफास्ट के बाद अभी हम बाहर निकले हैं, मैं यहाँ का व्यू इन्जॉय कर रही थी और अभी हम बाहर जाएंगे थोड़ा घूमे फिरेंगे। तो ये बाहर का व्यू है, सुबह ब्रेकफास्ट में हमने इधर से ग्रेप लेके आए थे हमारे लिए, तो हमने यहाँ से ग्रेप्स भी खाए थे और उधर छोटी छोटी कार्स नजर आ रही हैं, बस जा रही है क्योंकि उधर हम बहुत ऊंचाई पे हैं।
सो गाइज अभी हम इधर का मौसम इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ में हम गपशप भी कर रहे हैं। मैं और अली काफ़ी देर से बातें कर रहे हैं तो मैंने कहा थोड़ी सी बात आपके साथ भी हो जाए। मौसम बहुत मज़े का है, ठंड भी है, धूप भी निकली हुई है और हम बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रही हैं। तो बस और मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपसे क्या बात करूँ। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। मैं अली को वही बता रही थी पहले कि ये जो हॉलीडेज़ है ना, ये मुझे बहुत फिट लग रही हैं, मतलब एनर्जी के साथ, खुशी के साथ और सही हम इंजॉय कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपनी बच्चियों को भी मिस कर रही हूँ, लेकिन मेरी उनसे कॉल पे बात हो जाती है, हम वीडियो कॉल कर लेते हैं और वो भी काफ़ी खुश हैं कि अपनी नानों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मेरी मदर इन लॉ की तरफ, आज हम लंच करेंगे साथ में। तो मे बी उनके बाद, उसके बाद मैं और वो शॉपिंग पे जाएंगे और अली अपने एक फ्रेंड को मिलने, उनको मिल लेंगे इतनी टाइम में, और उसके बाद टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे और फिर देखते हैं आगे की प्लानिंग हम, क्योंकि टाइमिंग हमने प्लान पहले से किया हुआ है, लेकिन फिर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं अब क्या करना है, अब क्या करना है, किस तरह करना है। तो बस यहाँ पे अभी हम ये नज़ारे हैं पहाड़ियों के और हम इंजॉय कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम इधर एक बेकरी पे रुके और वहाँ से मैंने ली हैं अपनी फेवरेट पेस्ट्रीज, और अली मुझे कह रहे हैं मोटी मोटी खाओ खाओ और मोटी हो जाओ। तो मैंने कहा हॉलीडेज में भाई मोटा बनाते कुछ नहीं होना, ये जाके दोबारा से जो भी अपनी करनी है डाइट वगैरह वो घर जाके करेंगे, जब बाहर हॉलीडेज पे हो तो कोई डाइट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ये पेस्ट्रीज ली हैं, लेकिन इनको मैं अभी खोलूंगी नहीं क्योंकि मैंने अभी जाना है लंच पे। तो लंच के बाद आई गेस जब रात को हम घर जाएंगे तो फिर हम खाएंगे, हम नहीं मैं खाऊंगी, क्योंकि अली तो डाइट कर रही हैं, मोटे हो रहे हैं, पतला होना है, बेचारे मैक भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते, सब कुछ मैं ही खाती हूँ भाई, मैं ही खाती हूँ, ठीक है। तो अब मैं घर जाके नहीं खाऊंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी, बहुत यमी पेस्ट्रीज हैं, लाइक यमी। अब मिलते हैं फिर लंच पे। काफी ज्यादा इसलिए बातें नहीं कर रही क्योंकि मेरी मामा आई हुई है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात है वो भी साथ खाना खाने आई हुई है, इसलिए अब नाफी को शर्म आ रही है। नहीं मुझे शर्म नहीं आ रही, हम बैठ के अपनी बातें कर रहे हैं। ये मेरी सुशी तो आ गई है और अब आपकी आने वाली है। नाफी को इतनी भूख लगी है फौरन खाने शुरू हो गई है, देखिए इसका मुंह अब खत्म हो गया बनाया। ये सब नाफी ने खाना है, खाओ खाओ अब मुझे खाने देना। नाफी ने सब कुछ खत्म कर दिया है, अब और उसने मंगवाया है, ये देखो ये भी नाफी ने खाना है, ये सारा कुछ मैंने मंगवाया और मैंने खाना है। सो गाइस अभी मैं जब टॉयलेट में आई हूँ तो मुझे टॉयलेट बहुत अच्छा लगा, तो मैं कहीं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैं अली के साथ पहले वही बात कर रही थी कि जब हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं लाइक किसी होटल में या इन जगहों पे जाएं, तो मैं अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आए तो उसको मैं अपने माइंड में फिक्स कर लेती हूँ, ओके, और उसके बाद फिर वैसा ही मेरे वो माइंड में रह जाता है। कोई डेकोरेशन पीस हो या कोई घर की कोई भी ऐसी चीज़ हो, जब मैं अपना घर बनाऊँगी तो उसमें ये चीज़ें होंगी और फिर ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसके जैसा नीचे कैबिनेट बने हुए हैं और जैसे ये ओवरऑल जैसे रेस्टोरेंट बना हुआ है, इसकी जो डिटेल्स हैं अगर ये ही आपके घर में बाथरूम में ये चीज़ें हों तो आई लाइक इट। अभी हमने खाना खा लिया, खाना खाते हुए अली ने मेरी बहुत टांगें खींची, अब मुझे बहुत तंग किया है। आंटी सामने बैठी हुई थी तो मैं तब कुछ बोल नहीं रही थी, अली को खुला मौका मिला हुआ था मुझे तंग करने का। तो खैर अभी खाना खत्म हुआ है, अब हम जा रहे हैं, मैं आंटी के साथ जाऊंगी शॉपिंग करने और अली ने जाना है भाई वसीम को मिलने, तो वो उधर जाएंगे। तो बस यही आंटी आ गई हैं, चलो आंटी आ गई हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आंटी आ जाओ। सॉरी गाइस आज मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि आज हम लंच पे थे मेरी मदर इन लॉ के साथ, हमने वहाँ पे काफ़ी फ़न किया, अली ने मुझे मेरा बहुत मजाक उड़ाया, मुझे बहुत तंग किया, लेकिन उसके बाद फिर मैं और मेरी मदर इन लॉ शॉपिंग के लिए चले गए।
मैंने काफ़ी अरसे के बाद हम दोनों अकेली थी, हमने एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय किया, आइसक्रीम खाई, ढेर सारी बातें की, और अभी उनको बहुत बुरा फील हो रहा था तुम लोग जा रहे हो इधर रुक जाओ, लेकिन कोई ना, फिर अभी यहाँ पे 9 का टाइम हो रहा है, अभी हम यहाँ पे रुके हैं जल्दी से कुछ खाने के लिए, तभी वो हमने ऑर्डर दे दिया तो खाना बन रहा है, तो मैंने कहा इतनी देर हम थोड़ी गपशप कर लेते हैं। तो मैं सोच रही जब मैं यूके वापस जाऊँ तो मैं जितने भी मैंने अपनी हॉलीडेज़ पर शॉपिंग की है उसकी मैं एक स्पेशली अलग से वीडियो बनाऊँ। तो बस यही है आज की व्लॉग, थोड़ा ऐसा ही था, लेकिन टुमारो वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं ना स्विट्जरलैंड। आपने चेक कर लिया है ना हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? नहीं चेक नहीं किया, लेकिन क्योंकि अगर तो कोरोना वायरस का आप सबको पता है काफ़ी ज़्यादा इश्यूज करते हैं, तो अब अली देखेंगे घर जा के आराम से होटल में कि अगर हम जा सकते हैं नहीं जा सकते, लेकिन हमारा जो प्लान है वो यही है कि कल हम जाएंगे स्विट्जरलैंड, हम सारा दिन अपना उधर स्पेंड करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा वो हमारा प्लान है मिलान जाने पे। तो फिलहाल हमारा यही प्लान है, लेकिन थैंक्स टू कोरोना वायरस प्लान हर 2 मिनट बाद चेंज हो रहा है, ये करना है, नहीं 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 ये नहीं कर सकते, अब ये करना है, नहीं अच्छा ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते, थोड़ा ऐसा ही है। लेकिन आज का दिन मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और मुझे काफ़ी मज़ा आया, मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ, लेकिन जब आप अंदर में आप होते हो ओके आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, सब बहुत अच्छा रहा है, तो वो थकावट बिती आपको फील नहीं होती है। तो बस अब मैं घर जाऊंगी, जाके हम डिनर करेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूं कि हम क्या खाएंगे, और जो मैंने पेस्ट्रीज ली वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और आपके साथ बैठ के फिर यम यम करेंगे, खाएंगे यम यम करेंगे, छोटे बच्चों की तरह मैं कह रही हूँ, लेकिन इट्स ओके। तो अब मिलते हैं होटल में। आइए, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, भी आपको मेरे फेस से नज़र आ रहा हूँ कि मेरी हालत हुई भी खराब। इसको बंद कर दे। मेरे कान भी बंद हुए क्योंकि माउंटेन से ऊपर आते हुए, अब इसके पीछे क्या साइंस है, ग्रेविटी नो ग्रेविटी आई डोंट नो, जो भी है एयर प्रेशर का होता है, जब ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है एयर का, और जब नीचे आते हैं तो एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो क्योंकि माउंटेन से ऊपर आते हुए जो एयर का प्रेशर होता है जो भी होता है, उससे मेरे कान हो गया बंद, तो मुझे अब गूंज गूंज के मेरी आवाज़ आ रही है। अभी मेरे हाथ में है डिनर, तब जाकर सबसे पहले मैं करूँगी डिनर, मे बी मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं चेंज कर लूँ पिजामा पहन के, ईजी हो जाऊँ, लेकिन अब चल के देखती हूँ। मैं तो पहले खाना खाऊँगा, पहले खाना खाएंगे। तो ये देखे मेरी हाल, मैं सुबह कैसे गिर रहा, मैं कैसे वापस आ रही हूँ। ये स्वीट वाला मैं दुबारा, यही ठीक है, हाँ यही है। मजे की फीलिंग आ रही है इधर एंटर होते हुए, इतनी अच्छी इन्होंने यहाँ पे वो लगाई हुई है परफ्यूम, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, उनकी सर्विस इतनी अच्छी है। मैं आज जब सुबह ब्रेकफास्ट लेके आए थे उनकी सर्विंग को देख के मैं तो उनकी फ़ैन हो गई। उसके बाद अभी हम जब यहाँ से निकले थे मैंने कुछ चीज़ें मैंने ठीक करके रखती थी क्योंकि मुझे मैसी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी बिल्कुल ठीक था। मैं वापस आया तो मैं नोट कर रही हूँ, उन्होंने सारा दोबारा से सब साफ किया, नीट एंड क्लीन, जो थोड़ी सी शर्ट वगैरह चीज़ें आगे पीछे थी देखे मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे छोड़ गई थी, और उन्होंने सारा कुछ दोबारा से सेट किया। खैर मैं इनका रिव्यू तो अली नॉर्मली लिखते हैं तो वो बहुत अच्छा लिखना है। हाँ। वैसे मेरे फैन सोच रहे होंगे इतनी एक्साइटेड ना थी, इतना ऊंचा ऊंचा बोलने वाली, मुझे सब कहते हैं मैं बहुत ऊंचा बोलती हूँ, मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ, अब मेरी बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हुई हुई है, तो मैं बीमारों की तरह हाँ इधर ये है तो इधर वो वही हो रहा है,
ओके जी, तो अब आप आए ना मेरे साथ, कुछ खा लो ताकि आपकी एनर्जी वापस आ जाए। मेरी एनर्जी वापस आ जाए क्योंकि मैं सीन अच्छा करता हूँ। कैमरामैन अच्छी अच्छी वीडियो बनाना, मुझे पता है आप थक गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरी वीडियो अच्छी नहीं बनाओगे, ठीक है ना? अच्छा जी, खुद पकड़ लो कैमरा। पकड़ लो, ये देखो जी, खुद पकड़ लो कैमरा। थक गए हैं, सही बात है, इतना इतनी ज़्यादा गाड़ी चला के हम। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ हमारा डिनर। सो गाइस, ये है हमारा रैप, आज का हमारा डिनर। मज़े की बात यह है कि जब हम ऑर्डर में दे रही थी तो मैं अपना उनको बता देती हूँ कि मुझे बीच में ये चीज़ें चाहिए, तो ऐसा बना देना। अली उधर पहले देख रहे, हाँ मैं कौन सा खाऊँ, एंड मैं, मेरा भी सेम ही कर दो, एक नहीं दो करना। मैं, वाह क्या बात है भाई, अभी रात को जाकर सोना है, एक नहीं दो करना। तो इधर ये एक मेरा, तो आपकी, आपका एक ये है ना? हाँ, और देखो कितनी ज़्यादा आपकी वो, हाँ ये मैंने आपको ये दिखाना है, ये भी दिखाते हैं। मेरे खोलने का तरीका बहुत बुरा होगा, लेकिन ट्राई करते हैं। अच्छा, स्वीट स्वीट, मेरी कमज़ोरी है स्वीट चीज़ें, मैं स्वीट में, मुझे सब कुछ पसंद है। लुक हाउ यम्मी, और ये सब नाफी खाएगी। एक तो मैं खाऊंगा, ये सब नाफी खाएगी, नहीं एक मैं खाऊंगा। मुझे मीठा बहुत पसंद है, मीठा मेरी कमज़ोरी है। आप मुझे बताएं आपको मीठे में क्या पसंद है, कौन कौन मीठा खुश होके खाता है? मेरे घर में मैं, मेरी बच्चियां खुश होके खाती हैं, अली को मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं, मेरे ख्याल से मैं अपनी मामा पापा पे गई हूँ, हम सब मीठा बहुत खाते हैं। तो गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई एम सॉरी, मैंने ज़्यादा नहीं ब्लॉगिंग की, जितनी मेरे से हो सकी उतनी मैंने की है, लेकिन आई होप सो ये ब्लॉग भी अच्छा बन जाए और ये ब्लॉग आपको लगे बहुत अच्छा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ सब कुछ अच्छा अच्छा करने की। तो अब हम मिलेंगे कल, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें होप सो हम जाएँ स्विट्ज़रलैंड और हम इंजॉय करें। तब तक के लिए आप सब रखें अपना ढेर सारा ख्याल, और अब हम मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू सो मच गाइस, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतने अच्छे कमेंट्स होते हैं, मैं हमेशा कहना चाहती हूँ लेकिन फिर मैं भूल जाती हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी टिप्स देने के लिए, और फिर आप बहुत ज़्यादा वीडियोज रिकमेंड करते हो, ये वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।